राजधानी में नैनीताल डीएम ने शहर में निर्माणाधीन विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कालाडूंगी मार्ग पर जीजीआईसी का निरीक्षण किया। इसके अलावा रामपुर रोड में चल रहे चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को जल्द कार्य करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि अब मानसून सीजन खत्म हो गया है, लिहाजा सभी निर्माणदायी संस्थानों को तेजी के साथ कार्य करना है। इन कार्यों की समय समय पर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी अधिकारियों को दी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो लंबे समय से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट के स्तर पर अभी विचाराधीन है। कुछ में धनराशि सैंक्शन हो गई है, कुछ में डीपीआर प्रिपरेशन हो रहा है। तो लंबे समय से विभागीय अधिकारियों का, जहां 3-4 डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसमें समन्वय को लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स की गति धीमी चल रही थी। आज हम लोगों ने 3-4 ऐसी ही परियोजनाओं का निरीक्षण रखा हुआ था, जिसमें पहले जीजीआईसी वाला जो एरिया है वहाँ हम लोग सुबह गए थे, जिसमें एक स्पेस बहुत अच्छा पार्किंग का निकल सकता है। साथ में साइड की जो रोड है उसके चौड़ीकरण की भी संभावना निकली है। जो बालिकाओं का विद्यालय है उसकी बिल्डिंग भी बड़ी बुरी स्थिति में है, उसको रेनोवेट कराने का एक जो है उसके अंदर आ सकता है पूरे प्लान में। एक लाइब्रेरी भी वहाँ है जो बहुत छोटे से कक्ष में चलती है, तो लाइब्रेरी का भी अच्छा विस्तारीकरण करा जा सकता है शहर के लिए।